4 दिसंबर 2023 को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित संकल्प महासम्मेलन को लेकर रामा विचार मंच के जिला संयोजक श्री कुमार सिंह ने होटल ओरियंट ब्लू में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर को संकल्प महासम्मेलन आयोजित हो रहा है, जो सूबे का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सम्मेलन की सफलता को लेकर सभी 14 प्रखंडों में प्रखंड संयोजकों के साथ एक प्रभारी नियुक्त किया गया है तथा सभी प्रखंड के सभी पंचायत में लोगों के अधिकार और जिम्मेदारी को बताया गया है कि किस प्रकार सूबे को अधिक से अधिक विकसित किया जा सकता है और कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि रामा सिंह को 2019 में टिकट नहीं मिल रहा था। उन्होंने 2019 के चुनाव इसलिए नहीं लड़े कि 2015 के विधानसभा चुनाव में उनके कार्यकर्ताओं को पार्टी ने उपेक्षित रखा था। कार्यकर्ताओं के अपमान को देखकर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। उनका स्पष्ट मत रहा कि पार्टी नहीं, कार्यकर्ता बड़ा होता है। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को ताक पर रखकर राजनीति नहीं करेंगे। इस संकल्प महासम्मेलन में जिले से हजारों गाड़ियों के साथ लगभग 10,000 से ज्यादा लोग रमना मैदान से 8 बजे सुबह पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान के लिए कूच करेंगे। भोजपुर जिला सूबे के सभी जिलों से ज्यादा लोगों के साथ जुटेंगे और रामा सिंह के हाथों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल लोगों में प्रोफेसर विजय सिंह मुखिया यादव, राम सकल सिंह भोजपुरिया, उपेंद्र सिंह, उमाशंकर सिंह, कन्हैया व्यास शामिल रहे। रामा विचार मंच के तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 4 दिसंबर को पटना मिलन हाई स्कूल में जाना है। उसमें जाने के लिए हम लोग आपस में राय करके और हजारों की संख्या में हम लोग वहाँ जाएंगे और रामा विचार मंच को, रामा सिंह को हाथ मजबूत करेंगे। भोजपुर की कितनी भागीदारी रहेगी वहाँ पटना में? भोजपुर का हम लोग कम से कम 10,000 आदमी जाएंगे। पूरे बिहार से लोग वहाँ पहुँचेंगे? जी। किस तरह का आयोजन होगा पटना में? आयोजन रामा विचार मंच का है। अभी उसके लिए कोई पार्टी का अथी नहीं है कि कौन सा पार्टी का अथी लगेगा। अपना पर्सनली उनका अपना रामा विचार मंच का अथी है। तो कहा जा सकता है कि एकता बल का प्रदर्शन किया जाएगा? वो भी हो सकता, ठीक है। उनका अपना क्या है वो अपना कर रहे हैं पूरा बिहार भर में। क्या लगता है 2024 को लेकर चुनाव को लेकर नहीं कर रहे लोग? चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, हाँ लड़ेंगे। किस सीट से रामा सिंह की दावेदारी मानी जाए? अभी कोई सीट का कोई भी उनका गढ़ माना जाता है श्री बाबू, और आप उनके काफी करीबी हैं। नहीं, उनको कहाँ से किस पार्टी से टिकट मिलेगा वो बाद में फैसला होगा। अभी किसी दल में क्यों नहीं है? अभी वो अपना दिखा रहे हैं ताकत की हम भी सरकार में भागीदारी हो सकते हैं, नहीं तो अपना पार्टी बना सकते हैं। क्या लग रहा है कि आनंद मोहन जी के निकलने के बाद उनका जो एक प्रभाव था, खासकर जिस समाज से आते हैं राजपूत समाज से, वो प्रभाव कम हो रहा है? इसी को दोहराने के लिए अपना एक वो शक्ति प्रदर्शन मिलर स्कूल में करना? नहीं, आनंद मोहन से इनका कोई अथी नहीं है। इनका अपना वर्चस्व अथी है, सबसे लगाव है, प्रेम है पूरा बिहार भर में, वो दिखा रहे हैं। आनंद मोहन सिंह से कोई इनको मतभेद नहीं है। भोजपुर जिले की जो आरा सीट है, आरा लोकसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं जी रामा सिंह जी, क्या आपको लगता है कि 24 में अगर आपको जिम्मेवारी दी जाएगी फिर से हमारा आना चाहते हैं तो आप लोग तैयार हैं उनको अपनाने के लिए फिर से यहाँ से? अभी आरा से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो जरूर हम लोग लगेंगे। चार को सर वहाँ पे आपका आयोजन है जी, से कितने बजे आप लोग यहाँ से निकलेंगे, कौन कौन से स्थान है? यहाँ से तो हम लोग 8 बजे निकलेंगे। सारी गाड़ियों को कहाँ से आपको झंडी दिखाएंगे? सारी गाड़ी यहीं से रमना मैदान से, और जो दूर का गाड़ी है उधर से कोई और मुहे साइड से जाएंगे। गांव गांव में जनसंपर्क अभियान जी चालू है। हर प्रखंड से आप लोगों ने कुछ टारगेट वगैरह भी दिया होगा, कितने लोग आएंगे? सब हम लोग लिस्ट बना लिए हैं, कहां से कौन गाड़ी जाएगा, कितना आदमी जाएगा। तो पंचायत स्तर पे समर्थन जी तैयारी के संबंध में भोजपुर जिला के अध्यक्ष श्री कुमार सिंह जी ने आप लोगों को बता दिया, और ये बिहार के राजनीति में काफ़ी प्रभाव डालेगा रामा विचार मंच, जिसका संयोजक राष्ट्रीय अध्यक्ष रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह जी हैं। मिलर हाई स्कूल मैदान में महासंकल्प सम्मेलन होने जा रहा है तो ऐतिहासिक होगा। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है रामा सिंह अपने लोगों को बुला करके
बिहार के नेताओं को अपना ताकत दिखा रहे हैं। कौन कौन से और बड़े चेहरे हैं? रामा सिंह तो अपने आप एक बड़ा चेहरा है, उसके अलावा कोई ऐसे बड़े चेहरे जो पटना में? अब रामा सिंह से बड़ा चेहरा बिहार में कोई नहीं है। रामा सिंह जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ की सांसद चिराग पासवान के साथ चली गई है, वो भी उसी बिरादरी से जिस बिरादरी से रामा सिंह है। रामा सिंह जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करते हैं, रामा सिंह जन नेता है, वो सभी जाति धर्म के लोगों का राजनीति करते हैं। और कोई ऐसी बड़ी शख्सियत जो उसे संबोधन करे उसका प्रभाव पड़े लोगों पे? सबसे बड़ा नेता रामा सिंह ही रहेंगे उसमें। तो पूरे बिहार से लोग जुट रहे हैं? पूरे बिहार से। तो एक सीट के लिए दावेदारी की जाएगी या फिर क्योंकि भोजपुर से श्री सिंह जैसे बड़े चेहरे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शक्ति प्रदर्शन दिखाकर कई सीटों की मांग की जाए? निश्चित। श्री सिंह जी 2024 की तैयारी करेंगे या फिर 25 की तैयारी करेंगे? रामा विचार मंच अगर इन पे अपना हाथ रखे। तैयारी 24 और 25 दोनों का है। दोनों का है। रामा सिंह को काट करके बिहार का राजनीति कोई भी दल नहीं कर सकता है। तो आप लोगों को लग रहा है कि उनको कहीं जिसकी भी सरकार है कहीं ना कहीं उनको उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं? रामा सिंह उपेक्षित का है, उनके पत्नी विधायक है। पत्नी विधायक है ना, वो तो कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं तो वो भी दिखते हैं, जैसे आनंद मोहन जी दिखते हैं कभी लालू के दरबार में कभी नीतीश के दरबार में, रामा सिंह को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। रामा सिंह दरबारी है या नहीं है तो किसी के दरबार में दिखाई कैसे देंगे? पत्नी की टिकट के लिए तो जाते थे? नहीं, पत्नी के सिंबल लेने गए हैं। दरबारी नहीं है रामा सिंह, रामा सिंह नेता है। बैकडोर की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, एकदम आमने सामने से राजनीति हो रहा है। आखिर वो संकल्प लेंगे तो किसको? लालू की सरकार हटाने का संकल्प लेंगे, मोदी की सरकार? बिहार को मजबूत बनाने का संकल्प लेंगे, बिहार हमारा कैसे आगे बढ़े इसका संकल्प लेंगे। बीपीसी की जयंती के बारे में राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की बात तो नहीं चल रही है? बीपी सिंह की जयंती के बाद? बीपी सिंह गरीबों के मसीहा थे और रामा सिंह उसी पैटर्न पर चल रहे हैं।